हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आज आप लोग को शिलांग, जो कि मेघालय की कैपिटल है, वहाँ पर जो सिख और खासी कम्युनिटी के बीच जो दंगा हुआ है उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसका रियल क्या कॉज क्या है, क्यों दंगा हुआ, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। एक्चुअली वहाँ पर जो खासी कम्युनिटी वो लोग ट्राइबल लोग हैं, वो लोग मेजोरिटी मेघालय में मेजोरिटी है उनका। उन लोगों में से ज़्यादातर अभी क्रिश्चियन में थोड़ी बहुत सारे कम कन्वर्ट हो चुके हैं, पर वो हिंदू लोग थे पहले। अब वहाँ पर जो पंजाबी लोग रहते हैं उनके ऊपर ये जो खासी कम्युनिटी के लोग पहले से गुस्से में थे, क्योंकि वहाँ पर जो खासी कम्युनिटी का जो मेजोरिटी परसेंटेज था वो धीरे धीरे घट रहा है, और दूसरे कम्युनिटी के लोग जाके शिलांग में रहने की वजह से, और ये लोग सोचते हैं कि ये लोग आउटसाइड रह के रहने की वजह से ये सब हो रहा है। तो इसीलिए पहले से भी 1970 में 1980 में वो लोग वेस्ट बंगाल के सारे लोग को, बंगाली सारे को वहाँ से पूरा मेघालय से भगा दिए थे। अभी इस बार वो लोग सिख लोग के ऊपर गुस्से में है, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि आउटसाइड जाकर वहाँ पर रहने की वजह से उन लोग बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, वो लोग सिख लोग जनरल सिख लोग उन लोग को हरासमेंट करते हैं, ऐसे बहुत सारे कंप्लेनर है। वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग जाके इलीगली वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि लोग कोई कुछ गवर्नमेंट ज़मीन पर भी सिख लोग ने घर बना लिया है, इसकी वजह से भी वो लोग बोल रहे थे कि ये लोग जाके वहाँ पर इलीगली रह रहे हैं, उनको वहाँ से मतलब भगा देना चाहिए। तो ऐसे पहले से ही तनाव था। तो उस पर इस थर्सडे को क्या हुआ, एक लड़का ने, खासी कम्युनिटी के लड़का ने अपना मतलब बस लेके वहाँ पर जहाँ पर पंजाबी लोग रहते हैं वहाँ पर खड़ा किया था। वो ऐसे खड़ा किया था कि वहाँ पर जो पानी का नल है जहाँ से पानी पंजाबी औरत और लड़की लोग ला रहे थे उसके सामने खड़ा कर दिया था। तो उन लोगों को थोड़ी परेशानी हो रहा था वहाँ पे पानी लाने के लिए, तो ये पंजाबी औरत और लड़की लोग जो पानी लाने गए तो उसको जाके कंप्लेन किए कि उस बस वाले को कंप्लेन किए, बस लड़के को कंप्लेन किए कि वहाँ से बस हटा दे, और वो लड़का नहीं हटाया और ऐसे ऐसे कुछ बोल दिया शायद। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, वो झगड़ा शुरू हो गया ये औरत और इस लड़का के बीच। तो औरत लोग क्या किए ना, पथराव करने लगे उस लड़के का ऊपर। तो बाद में क्या हुआ, बाद में फिर जाके घर में अपना मतलब घर वालों से कंप्लेन किए कि ये लड़का हमें छेड़ रहा है या ऐसे कुछ बोल कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो आया जो पंजाबी लोग है वो लोग आके वहाँ पर मतलब उनको पिटाई, उस लड़का का पिटाई कर दी। तो ये लड़का जाके पुलिस में कंप्लेन किया, फिर काउंटर कंप्लेन भी पंजाबी लोग जाकर कर किए पुलिस में। तो पुलिस से फिर कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया और मामला ठंडा पड़ गया। और उसके बाद क्या हुआ ना, जो खासी कम्युनिटी का जो हक्कर औरत थे वो लोग जाकर फिर स्ट्राइक और प्रोटेस्ट करने लगे, वो पंजाबी एरिया में झगड़ा भी करने लगा कि उनका मतलब लड़कों को क्यों पिटाई हुआ। तो ऐसे देखकर पुलिस देखकर वो क्या किया ना, खासी जो औरत जो स्ट्राइक कर रहे थे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भगा दिया, वहाँ से आधा किलोमीटर दूर तक भगा दिया। तो पर व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया है वहाँ पर अफवाह फैल गया कि तीन औरत का, खासी का मुंडा तीन औरत का मौत हो गया है। तो उसके बाद दंगा फैल गया और ये अफवाह की वजह से पूरा खासी कम्युनिटी में गुस्सा भर गया और वो लोग आके वहाँ पर पथराव शुरू कर दिए। तो पुलिस जाके फिर टियर गैस छोड़ने लगा। तो ऐसे करके दंगा का शुरू हो गया और ये पंजाबी लोग भी वहाँ से हटने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं पंजाबी लोग काफ़ी मतलब बहादुर होते हैं, वो लोग ऐसे मतलब बिना कारण से कहीं पर नहीं पीछे नहीं भागते। तो लोग वहाँ पर पुलिस लाखों बताने के बाद भी वो लोग वहाँ से हटने के लिए राजी नहीं हुए, अपना एरिया छोड़ के दूसरा अच्छा जगह को जाने के लिए राजी नहीं हुए, फिर दंगा शुरू हो गया। तो ये था वहाँ पर असली कारण, शिलांग में जो दंगा हुआ है असली कारण। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।